सीएम योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत 25 करोड़ पौधों को रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से 7 जुलाई तक व्यापक स्तर पर वन महोत्सव सप्ताह मनाए जाने का भी जिक्र है, जिससे लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। इसके लिए अलग अलग प्रजाति के पौधों का रोपण भी किया जाएगा। इसमें औषधीय फलदार छाया के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। तो एक से 7 जुलाई तक वन महोत्सव सप्ताह बनाया जा रहा है और इसके तहत कई हजार पौधों को रोपण किया जाएगा। 5 जुलाई को वन महोत्सव के दिन पौधारोपण होगा। औषधीय फलदार छायादार पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है और इस पौधारोपण के मुहिम का लक्ष्य यही कि पर्यावरण को संतुलित बनाया जाए और जितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है इस वक्त, यही एक उपाय है कि पौधारोपण ज्यादा से ज्यादा किया जाए ताकि पर्यावरण को संतुलित किया जाए और इसी के लिए विशेष मुहिम की शुरुआत भी की गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि सीएम योगी इससे पहले भी पौधारोपण कर चुके हैं, लेकिन आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। 25 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। 5 जुलाई को वन महोत्सव का कार्यक्रम रहने वाला है, जिसमें पौधारोपण किया जाएगा और कई जिलों में ये कार्यक्रम रहने वाला है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे महाअभियान बताया है और इस महाअभियान के तहत कई हजार पौधों को रोपा जाएगा। 10 करोड़ पौधारोपण के लिए चिन्हित भी कर लिए गए हैं स्थान।